अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। इसमें जो लिखा गया है, फिर ये कागज है गजरा केयर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समय पर संघ द्वारा आग्रह किया गया, जिसके जवाब में प्रबंधन द्वारा कारखाना मालिक से चर्चा कर अवगत कराया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत जाकर प्रबंधक द्वारा दिनांक 7/11/2023 को संघ को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि बोनस राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, जिससे श्रमिक साथियों में बहुत आक्रोश। और ये जो आज बोनस की चर्चा है, उस पर हम लोग प्रबंधन से और मालिक को चर्चा करके खड़े करके बात करने की बात रखी थी तीनों ने, सीओ साहब ने, जीएम साहब ने और एचआर साहब ने। अब उन लोग अपना जवाब यहाँ आकर के दे, और जो भी रहेगा अब FIR में करना है, उसकी जवाब भी चलेंगे, प्रशासन की रहेगी, प्रशासन की रहेगी। FIR इसलिए करना है, तो चुनाव का भी बहिष्कार बिल्कुल करेंगे। सबसे बड़े उद्योगों में इसकी गिनती है गजरा गैस का श्रमिक। पूरे देवास नहीं, केवल पूरे भारत में सबसे अच्छा श्रमिक माना जाता है। हमारे यहाँ का श्रमिक हमेशा अनुशासन से काम करता है। गजरा गैस का माल कई देशों में एक्सपोर्ट होता है, उसमें विशेषकर विकसित देश US अमेरिका। हम यहाँ लगातार मांग कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इनका बोनस दिया जाए, वो भी आज तक पेंडिंग है। इसके बाद लगातार हमारा वेतन वृद्धि समझौता होता है, आज 11 महीने हो गए। हमने यहाँ के स्थानीय प्रशासन, श्रम विभाग, माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय विधायक महोदय सबको दिया, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। इन सब से परेशान हो के, मजबूर हो के, हमारे सब श्रमिक साथी इतने टेंशन में, इतने दबाव में कि भाई ये लोकतंत्र में संविधान सबके लिए लागू होता है, तो गजरा गैस के प्रबंधन के लिए लागू क्यों नहीं होता है? हमारे यहाँ के सब श्रमिकों ने मजबूरी में निर्णय लिया है। सब आप श्रमिकों से पूछिए कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम निर्वाचन का बहिष्कार करेंगे मजबूरी में। अगर हमारा समझौता, हमारा बोनस मिलता है तो हम बराबर लोकतंत्र में संविधान के साथ हैं, लेकिन अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम सब मजबूर होके लोकतंत्र प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, निर्वाचन में भाग। अच्छा, पिछली बार भी आपके द्वारा इस बार हड़ताल की गई थी और कंपनी का गेट भी बंद कर दिया था जो देवास महाराज द्वारा खोला गया था, तब क्या कुछ मामला सुलझा था और जो अब जैसे दिक्कत आ रही है? हमने सहयोगात्मक रूख रखते हुए मैनेजमेंट की और जो समझौता हुआ उसका पालन करते हुए बराबर कार्य किया। हमारी ये बात हुई थी कि 5-6 दिन जो हड़ताल है उसमें आप उसको यहाँ पे उसके बदले में हाजिरी दोगे, तो हमारे लोगों ने बराबर एक रविवार भरा। इसके बाद यहाँ मैनेजमेंट ने कहा कि हम कोई समझौता नहीं देंगे। मैनेजमेंट ने अपने रुख से पलटते हुए, बदलते हुए ये कह दिया कि हम कोई समझौता नहीं देंगे। अभी भी जो परिस्थिति पैदा हुई है वहाँ नोटिस बोर्ड पे कल प्रबंधन ने लगाया, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है, इनने बोला कि हम वेतन नहीं देंगे, जबकि 30 अक्टूबर से आज 9 नवम्बर हो गया। इसके बाद इनने बोला सारे कारखाने, आप किर्लोस्कर देख लीजिए, सानो देख लीजिए, सब पूर्व बोनस बढ़ गया। यहाँ पे कह दिया कि कोई आपका बोनस बनता ही नहीं, तो क्या नियम इसके लिए नहीं है क्या? गजरा गेयर के लिए फिर हमारे श्रमिक भाई क्या करेंगे? कितने श्रमिकों का पेमेंट अभी बाकी होगा? यहाँ पे बोनस पेमेंट इन्होंने जब कल यहाँ पे लोगों ने घेराव करा तो इन्होंने कहा कि हम पेमेंट डाल देंगे, लेकिन बोनस नियम अनुसार भारत सरकार में हर कारखाने में बंटता दिवाली पूर्व।
यहाँ पे इनने बोनस देने से साफ मना कर दिया, वो नोटिस में लिख दिया कि आपका कोई बोनस नहीं मिल रहा है, जबकि देवास के सब कारखानों में बोनस दिया गया। कब तक चलेगी आपकी ये हड़ताल? और आंदोलन कब तक करी है हमने? ये हम वापिस प्रशासन कलेक्टर को एक बार आगाह करेंगे, हम उनको बताएंगे कि अगर नियम सब पे लागू है तो गजरा गेट पे लागू क्यों नहीं है। हम कोई भी ऐसी हड़ताल और कोई अपनी कदम उठाना नहीं चाहते हैं, पर हमें मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, अभी आप काम सब करेंगे कंपनी में या बंद करेंगे? काम करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे श्रमिकों का कहना है कि जो बोनस आज मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। इसके लिए हम हर उस एजेंसी कने प्रशासन शासन कने अपनी मांग रखेंगे कि आप इससे बोनस दिलवाइए। ठीक है, आपका नाम? आपका परिचय? महेंद्र सिंह राणा। क्या है? गजरा गैस के कार्यकर्ता। ठीक है, ठीक है।